हेलो फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि यदि आप सही उम्र में माँ बन जाती हैं, यानी कि सही उम्र रहते ही आप कंसीव कर लेती हैं, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के समय किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कई महिलाओं को कई प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर जिम्मेदारियों की वजह से शादी लेट करने का मौका मिलता है और इसी की वजह से बेबीज भी लेट होते हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि प्रेग्नेंट होने की सही उम्र कौन सी है? आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो से। वैसे तो गर्भवती होने की कोई भी उम्र नहीं होती है, लेकिन अक्सर ऐसा कहा जाता है कि 30 की उम्र से पहले ही हमें गर्भवती होने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 35 वर्ष की उम्र के बाद गर्भवती होने का मौका काफी कम हो जाता है और इसी की वजह से हमारे शरीर के अंदर काफी चेंजेस भी होते हैं। लेकिन अगर आप 35 वर्ष के बाद गर्भवती बन भी जाती हैं, तो हो सकता है कि आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़े। एक शोध से ये बात सामने आई है कि यदि वह महिलाएं जो 35 वर्ष के बाद या फिर 18 वर्ष से पहले अपने बच्चों को जन्म देती हैं, तो ज्यादातर बच्चे दिमागी रूप से कमजोर पैदा होते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो, अगर आप सही तरीके से उन पर ध्यान दें और सही शिक्षा दें, तो उनकी मानसिकता थोड़ी ठीक हो जाए। लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर ऐसा ही होता है कि जब भी माँ कच्ची उम्र में होती है या फिर 35 की उम्र को पार कर जाती है, तो शरीर के हार्मोन स्टेबल ना होने के कारण उसका असर बच्चे पर दिखाई देता है। सो दोस्तों, अगर आप भी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो 18 साल के बाद और 30 साल से पहले प्रेग्नेंट होने के बारे में सोचें, क्योंकि इसी आयु के बीच में हमारे हार्मोन स्टेबल होते हैं और हम प्रेगनेंसी कैरी कर सकते हैं, ताकि हम 9 महीने तक गर्भवती बन सके और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।